नमस्कार, मैं प्रवीण सेटी सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने बरवा माइंस लूटकांड का किया खुलासा, हथियार व नगद समेत तीन अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के काशीडी में घटी घटना पर जिला प्रशासन ने की मुआवजा की घोषणा, उपायुक्त मिले परिजनों से। और सरायकला जिले में नए उद्योगों को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू, आईडा भवन में आयोजित हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। पुलिस ने बरवा माइंस थाना क्षेत्र में लूट कांड मामले का उद्भेदन किया है। तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देशी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस एवं अन्य सामान बरामद किया गया है। सिटी डीएसपी अनिमेश नथानी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बरवा माइंस थाना क्षेत्र में 2,26,000 रुपए लूट कांड मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी है, गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 90,000 नगद रुपए के अलावा लूट के रुपए से खरीदा गया एक नया फ्रिज, लूटा गया बैग, एक देशी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर की एक हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एक हफ्ते के बाद में, 10 दिन के बाद में इसमें हम लोग को इस कांड का उद्भेदन हो गया तथा हम लोग को इसमें सफलता मिली है तथा हम लोगों ने तीन आदमियों को अभी इसमें गिरफ्तार किया है। जिस प्रकार से ये घटना हुई थी उसमें एक सोनू ढिबर नाम का एक व्यक्ति का नाम आ रहा था जो कि सोनारी का रहने वाला है, वो वहाँ पर सुपरवाइजरी का काम करता था। उसी ने ये सूचना दी थी, इन्फॉर्मेंट था कि पैसा लेने के लिए पहले 10 तारीख की डेट निर्धारित हुई थी, परंतु छुट्टी होने की वजह से 11 तारीख को रीशेड्यूल हुआ पेमेंट करना। सोनू डिबर ने अपने बाकी दोनों साथियों को सूचना दी कि 11 तारीख को वो पैसा लेकर आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ISWP कंपनी में गेट पास बनवा लिया मॉर्निंग में। और इसके दो साथी मंजीत सिंह जो कि टेलको के रहने वाले हैं तथा समीर दास जो कि जादूगोड़ा के रहने वाले हैं, जिसमें समीर दास पहले भी अपने भाई के साथ मर्डर केस में जादूगोड़ा जेल में रह चुका है। जमशेदपुर के साक्षी काशीडी में सोमवार शाम दीवार गिरने से हुई तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत के बाद जहां उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इनके आश्रितों को मुआवजा देने की घोषणा जिला प्रशासन ने कर दी है। इसी क्रम में मृतिका के परिजनों से मिलने उपायुक्त अमित कुमार और SDO मनोज कुमार पहुंचे और तत्काल मृतक के परिवार के लोगों को आपदा प्रबंधन द्वारा 2-2 लाख रुपए दिया गया। वहीं इस घटना में घायल हुए एक युवक को 20,000 रुपए मुआवजा दिया गया। वहीं SDO मनोज कुमार ने बताया कि सोमवार को हुई तेज बारिश में काशीडी हाई स्कूल की दीवार गिर गई थी, जिसमें तीन महिला सब्जी विक्रेताओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा के रूप में 2 लाख रुपए दे दिए गए हैं। कल शाम में आए आंधी तूफान में एक बहुत दुखद और दर्दनाक घटना हुई। पटमदा क्षेत्र और बुढ़ान क्षेत्र की तीन महिलाओं का एक जगह पे छिपी हुई थी और वहाँ पे दीवार गिरने से निधन हो गया। कहाँ की थी तीनों महिलाएं? पटमदा क्षेत्र प्रखंड एवं बुढ़ान प्रखंड के। पटमदा प्रखंड की 2 महिला थी, बुढ़ान प्रखंड की 1 महिला थी। मुआवजा भी कुछ सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत जो भी उचित मुआवजा है वो हम लोग देने के लिए रिकॉर्ड वगैरह से हर कार्रवाई तैयार कर रहे हैं। तत्काल राहत के रूप में कुछ राशि मृतक के परिवार को दिया जा रहा है। सरायकला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मोमेंटम ऑफ झारखंड के तहत नए उद्योगों को धरातल पर लाने की कवायद शुरू की गई है। बीते दिनों राजधानी में हुए मोमेंटम ऑफ झारखंड के तहत उद्योगों के विकास को लेकर उद्योग विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी के तहत सरायकला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना को लेकर जमीन तलाशना और जमीन का सीमांकन कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य के उद्योग निदेशक के रवि कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन आईडा कार्यालय में किया गया, जिसमें सरायकेला पूर्वी सिंहभूम समेत कोल्हान के अन्य क्षेत्रों में उद्योग के विस्तार और स्थापना को लेकर रोडमैप तैयार किया गया। साथ ही उद्योगों के लिए प्रस्तावित जमीन पर जल्दी सीमांकन कार्य करने का भी निर्णय लिया गया है। अधिग्रहण नहीं किया जा रही, वो मोमेंटम झारखंड में वो पूंजी निवेश का प्रस्ताव आई थी, उसी प्रस्ताव का ग्राउंडिंग करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आज उसका सिलसिला में हम लोग आज फील्ड विजिट हुई थी, उसका साथ में आज वो उनका इंडस्ट्री के साथ में बैठक है, उसको ये सब इंडस्ट्रीज का बढ़ावा कैसा देंगे, उनका कैसा देंगे, उसका संबंध आज बैठक। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से भेंट कर दोषी पर कार्रवाई करने एवं निर्दोष को परेशान नहीं करने का आग्रह किया है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने DC से मुलाकात किया। इधर जिला अध्यक्ष ने मीडिया को बताया,
मानगो और धतकेड़ी में पत्थरबाजी की घटनाओं में दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने एवं निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करने की मांग डीसी से की गई है। उन्होंने कहा, ऐसी शिकायत मिली है कि मानगो में निर्दोष लोगों को फोन कर प्राथमिकी के नाम पर भया दोहन करने का मामला सामने आया है। पिछले दिनों जो शहर में 8 लोगों की हत्याएं की गई बच्चा चोरी के नाम से, उसका हम लोग निंदा करते हैं। जो लोग इस काम में सम्मिलित हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में शहर में ऐसी कोई दूसरी वारदात ना हो। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि शासन की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं भी हम लोग हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इस तरीक़ा से जो लोग नहीं थे वैसे लोगों को भी, जो लोग पत्थरबाजी में नहीं थे कोई गलत काम में, वैसे लोगों को नाम डाल दिया गया। हम लोग चाहते हैं इसका निष्पक्ष जाँच हो और जो लोग गुनाहगार उसको सजा मिले। ऐसा हमारा देश का भी कानून है कि 100 गुनाहगार बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और समाज सेवी दर्श चौधरी ने जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इधर समाज सेवी दर्श चौधरी का कहना है, एमजीएम अस्पताल के चिकित्सक अपने पद का दुरुपयोग कर अपने स्वार्थ के लिए लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया, कई लोगों की मौत हो चुकी है, बावजूद दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जमशेदपुर भारतीय प्रशासन सुधार एवं जन परिषद की ओर से मैं जिला अध्यक्ष मनी मोहंती जी, आज एमजीएम के अधीक्षक को हम लोग एक ज्ञापन देना है, उस डीसी महोदय जी को एक ज्ञापन देना है हमारी संस्था की ओर से। क्या खराबी एमजीएम में दिख रहा है आप लोगों? इसकी साफ सफाई एकदम जर्जर है, उसकी जो डायग्नोसिस है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी बदतर है, उसको हम लोग सुधार करेंगे। हमने संस्था की ओर से आज वहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं। साफ सफाई कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर। क्या बोलना चाह रहे हैं? और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता, हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर, 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है, तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657-223-1159 एंड 9279261371। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं, विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोर्ड और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं
जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। नमस्कार। ईश्वर की बनाई उस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं। जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, kripya dhyan dein. Jo chhatra Standard 7, 8, 9, 10 ya phir 11 mein fail ho gaye hain aur aage ki padhai puri nahi kar pa rahe hain aur unka saal bekar ho raha hai, to Idol Coaching Center उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो, जैसे CBSE, JAC, NIOS। कोर्सेज ऑफर्ड बाय आइडल कोचिंग सेंटर, IITG, फाउंडेशन, ट्यूशन फॉर ISC एंड ICOM स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन फॉर नीट, PMT, मेडिकल, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ट्यूशन फॉर BSc एंड BCOM स्टूडेंट्स। We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come, hurry up. Admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने SSP को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला मंत्री रविंद्र ठाकुर का कहना है, घाटशिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी की थाना प्रभारी द्वारा बिना किसी कारण की पिटाई कर दी गई। वहीं MGM अस्पताल कर्मी राजेंद्र गोस्वामी पर बाहरी व्यक्ति द्वारा साक्षी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया, दोनों मामलों को लेकर SSP को ज्ञापन सौंप कर जाँच कराने का आग्रह किया गया है। और वह पिछले दिनों घाटशिला अस्पताल में कार्यरत है। वह पिछले दिनों एक पत्र, सरकारी पत्र लेकर के थाना में पहुंचाने के लिए जाता है, और वहां जो है बिना किसी कारण के उसकी पिटाई कराई जाती है। हम चाह रहे हैं कि इस घटना की न्यायोचित जांच हो। दूसरी घटना, MGM अस्पताल में कार्यरत है हमारे राजेंद्र गोस्वामी, एक लिपिक हैं। उन पर वहाँ एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा घूस लेने के आरोप से संबंधित कुछ मामला दायर किया गया है, और उसमें मुकदमे के तहत उन्होंने SC ST एक्ट का धारा लगवाया है, जबकि वो मल्लाह जाति के हैं और अपना निवास स्थान वो झारखंड बताते हैं, पूर्वी सिंहभूम झारखंड।
झारखंड में हम लोगों ने जब सर्च किया है, नेट पे सर्च किया है, तो मल्लाह जाति एससी के तहत नहीं आता है। और जमशेदपुर के बिरसा नगर इलाके के समाज सेवियों ने बाजारों में हो रहे सामानों की बिक्री में नाप तोल की गड़बड़ी की शिकायत जिले के उपायुक्त से की है। इस दौरान इनका कहना था कि आए दिन खुलेआम बाजारों में नाप तोल में गड़बड़ी पाई जाती है और जब ग्राहक इस पर दुकानदार से शिकायत करते हैं तो उन्हें कुछ सामान देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं, जो गलत है। इन्होंने मांग की है कि नाप तोल विभाग का संपर्क फोन नंबर को बाजारों में सार्वजनिक रूप से ग्राहकों को दिया जाए ताकि ग्राहक इसकी शिकायत सीधे विभाग से करे और उन दुकानदारों पर कार्रवाई हो सके। हम लोग नापतोल विभाग के लिए आए हैं। नापतोल विभाग में जो आज ग्राहक को दिक्कत हो रहा है, ये सारे लोग मार्केट करता है, मछली वाला, मुर्गा वाला, सब्जी वाला और ये खस्सी वाला, जो भी आदमी दुकानदारी सामान देता है इसमें 50 से 150 ग्राम कम रहता है, मगर हर घर में व्यक्ति के पास तो तराजू है नहीं, इसीलिए आदमी को मालूम भी नहीं चलता है कि क्या मेरे में सब्जी जो ले रहे हैं कम है या ज़्यादा है। और ऐसा है कि जब ये आदमी बहस करता है तो उसको एक मुट्ठी उठा के दे देता या एक पीस मछली दे देता, उसके बाद वो क्या करता है, अपना बोलना बंद कर देता है। लगता है कि सारा दुकानदार जमशेदपुर में सारे मार्केट के बाहर में नापतोल विभाग का फोन नंबर लिखना चाहिए और ग्राहक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सरायकला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में उद्योग विभाग द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो सिस्टम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार के उद्योग, भूतल और खन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी सुगमता से व्यापार विषय पर आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी और उद्यमी संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान राज्य में उद्योगों की स्थापना और विकास को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए सिंगल विंडो सिस्टम के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। झारखंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत इस सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल का निर्माण किया गया है। इधर कार्यशाला के दूसरे सेशन में प्रदूषण विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें मौजूद उद्यमियों और लोगों ने जमकर प्रदूषण नियंत्रण परिषद के विरोध में अपनी नाराजगी जताई। सभी उद्यमियों ने एक सुर में प्रदूषण विभाग के कार्यशाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। उद्यमियों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा बेवजह इन्हें परेशान किया जाता है। प्रदूषण से संबंधित सारे कागजात उपलब्ध करा दिए जाने के बावजूद भी अनुमति देने में देर की जाती है। अब यहाँ तीनों जिला का डिप्लॉय हो गया, मैं उनका तीनों का सबसे ज्यादा हमने एड्रेस किया, एड्रेस सही 25 का कंप्लेन आया, 15 हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था, 10 में से 8 मेरे पास हेडक्वार्टर में था, जो हमने कहा कि एक वीक में हो जाएगा। और क्या चाहिए बताइए? लेकिन एक चीज बताइए सर, सबसे बड़ी उद्यमियों की बार बार समस्या होता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है उनको, मतलब एक ही फाइल के लिए 10 बार चक्कर, वो भी काम के लिए एक समय लगता है, उसको कैसे निदान कीजिएगा? वो तो वो जो 4 महीना है ना, उसका 4 महीना एक्ट में दिया हुआ है कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो मेजर्स लगा, आप पब्लिक कंप्लेन भी तो देखिए, पीएसपी लगा चल नहीं रहा, ETP लगा काम नहीं कर रहा है, पानी गंदा आ रहा है, आपको पब्लिक कंप्लेन देखते हैं कि नहीं? आप मीडिया में आप बताइए सच सच सबको, मतलब क्या इश्यूज हो रही है? आपका 3000 यूनिट है, बाकी सबका पोल्यूशन वगैरह मिल गया, किसका इश्यूज है वही डिस्कशन हो रही है। उसके बारे में 2 मिनट। और जमशेदपुर के बागबेड़ा घागड़ी नया बस्ती सामुदायिक भवन में भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले की सैयाओं को टीवी बीमारी से बचाव हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। टीवी सेंटर जुगसलाई शाखा द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां सैयाओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्हें बताया गया कि टीवी बीमारी के संबंध में लोगों में जागरूकता की कमी है, जिस कारण समय पर लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि मरीजों को चिन्हित कर उनकी किस तरह से देखभाल करनी है और समय पर कैसे दवा उपलब्ध कराना है, साथ ही लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक कैसे करना है, इस संबंध में सैयाओं को जानकारी दी जा रही है। हमको नेगेटिव पॉजिटिव सब मतलब नहीं है, हमको अपने ये हरक ऋतु नया बस्ती जो शीतला मंदिर का बगल में जो आपका आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ पर हुआ है। ये हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है टीवी का भारत सरकार का तरफ से, ये एक रूप है, उसमें हम लोग पेशेंट लोग को जागरूक करते हैं, साथ में सैया लोग जो है यहाँ का टोटल इलाका का ये जो क्लस्टर मीटिंग होता है इसमें सब सैया लोग को हम लोग सेंसिटाइजेशन करते हैं, उसका दवा का कैसे खिलाया जाता है, क्या किया जाता है, सब उसको डिटेल्स हम लोग बताते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि सैया जैसे रीढ़ का हड्डी है हम लोग का प्रोग्राम का, किसी भी हेल्थ सिस्टम का, तो उसमें हम लोग का ये फ़ायदा होता है कि ये लोग जागरूक अगर होगा तो उसी हिसाब से ये लोग हम लोग को मदद करेंगे पेशेंट खोजने में, दवाई खिलाने में और साथ साथ में उसका जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में ये लोग का बहुत सारा मदद हम लोग को मिल रहा है।
और जमशेदपुर के जुक्सलाई दुखू मार्केट के समीप श्री श्री शनि मंदिर प्रांगण में 25 मई को झारखंड शनि यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ आयोजन दामोदर शनि बाबा के द्वारा किया गया है, जहां प्रातःकाल 7:30 बजे नवग्रह पूजा एवं हवन आरंभ होगा। दोपहर के वक्त पूजा एवं शाम के वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं आयोजककर्ता दामोदर शनि बाबा ने बताया कि पूजा का उद्देश्य पूरे देश व राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे, यही है। वहीं उन्होंने बताया इस दौरान शहीदों के लिए भी सम्मान समारोह रखा गया है। झारखंड शनि शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है दिनांक 25-5 मई को, और प्रथम पूजा जो है 7:30 से है नवग्रह, और हमन जो है दिन भर चलते रहेगा। इस बीच में प्रसाद वितरण होगा 11 बजे से, और जिसकी टाइमिंग नहीं है वो, और फिर 4 बजे से संस्कृत कार्यक्रम है, और उनमें शहीदों का भी जो परिवार है शहीदों का सम्मान किया जाएगा, भक्ति और शक्ति का कार्यक्रम है, और इसके मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा जी रहेंगे, अनेक गणमान्य व्यक्ति रहेंगे, और प्रधान सचिव श्री संजय कुमार जी रहेंगे। ये देखिए, मैं 1995 में इस मंदिर को मैं किसी तरीका से मैं प्रथम मूर्ति रखे बनाया। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने बरौमा इंस लूटकांड का किया खुलासा, हथियार व नगद समेत 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के काशीडी में घटी घटना पर जिला प्रशासन ने की मुआवजा की घोषणा, उपायुक्त मिले परिजनों से। और सरायकला जिले में नए उद्योगों को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू, आईडा भवन में आयोजित हुई बैठक। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।